जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आज 18 अप्रैल 2024 जैक बोर्ड क्लास 10th और 12th के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, बहुत बड़ा यहाँ पे न्यूज़ निकल कर आ रहा है बच्चा, जो आपके रिजल्ट अनाउंस से संबंधित है। यहाँ पे एक डेट बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में है कि 20 अप्रैल 2024 को आपका रिजल्ट आना है, ठीक है। 20 अप्रैल 2024 को आपका रिजल्ट आना है। इसी के संबंधित में हम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बात करने वाले हैं कि क्या आपका रिजल्ट 20 अप्रैल 2024 को आएगा, क्या यह जैक द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल डेट है, सभी कुछ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और साथ ही साथ जैसे ही आपका रिजल्ट जारी होगा, सबसे पहले भारतवर्ष क्लासेस पर दिखलाया जाएगा और आपको रिजल्ट लाइव चेक करके दिखाया जाएगा। यदि किसी को रिजल्ट डाउनलोड करने में दिक्कत हो रहा है तो यहाँ पर एक व्हाट्सअप नंबर दे दिया जा रहा है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से रोल नंबर रोल कोड भेज करके अपना रिजल्ट डायरेक्ट ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हो। अब बच्चा, यहाँ पर सबसे पहली सबसे बड़ी अपडेट आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, 20 अप्रैल 2024 ये टेंटेटिव डेट है बच्चा, ये ऑफिशियल डेट नहीं है। जैक के द्वारा जारी किया गया ये ऑफिशियल डेट नहीं है, ये टेंटेटिव डेट है। जैसे ही ऑफिशियल डेट डाउनलोड यहाँ पे जारी कर दिया जाएगा, आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन दिखेगा, आप वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। जैसे ही रिजल्ट डाउनलोड होगा, जैसे ही रिजल्ट जारी होगा, सबसे पहले आपको जैक के आधिकारिक वेबसाइट पे आ जाना है, झारखंड एकेडमी काउंसिल के। उसके बाद यहाँ पे रिजल्ट वाले सेक्शन में आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ रिजल्ट वाले सेक्शन में क्लिक करोगे, सबसे पहला सबसे ऊपर ही आपको दिखेगा क्लास टेंथ बोर्ड रिजल्ट, है ना, जैक क्लास टेंथ बोर्ड रिजल्ट। जैसे यहाँ पे अलग अलग रिजल्ट दिख रहा है, उस समय क्लास टेंथ का रिजल्ट दिखेगा, आप डायरेक्ट वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे क्लिक करोगे तो रोल नंबर रोल कोड डालना है, आपको रिजल्ट शो कर देगा। बहुत ही आसान है बच्चा, एकदम आसानी से आप कर लोगे। और इसके बाद क्लास 12th का रिजल्ट जारी होगा। तत्पश्चात आपका यहाँ पर अप्रैल के अंत में लगभग 30 तारीख तक एक्सपेक्ट की जा रही है क्लास 1 से लेकर के क्लास 8 तक का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो बिल्कुल एकदम, यदि आप नए क्लास में प्रवेश किए हो तो आप उन क्लासेस के बुक्स को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए बच्चा, चूँकि आप धीरे धीरे उन सभी को स्टार्ट कर दीजिए। और भारतवर्ष क्लासेस पर अभी से ही क्लासेस स्टार्ट की गई हो, तो आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, क्लासेस को देख नहीं रहे हो, तो देखना स्टार्ट कीजिए। तो यही था आज का अपडेट। बहुत बहुत धन्यवाद।